इतने सारे पैसे दे दिए इन्होंने। स्त्री लूट मार तो नहीं होती है, ये 500 रुपए के दो। रात के अंदर पानी इतना महंगा है, आप लोग पानी की कदर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदोस्सलाम मोहम्मदो आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं नजफ़ के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूं इराक के अंदर। तो 4 से 5 दिन का जो सफ़र होता है वो मैंने 4 घंटे के अंदर तय किया। बाई एयर आया था यहाँ पर, तो फिलहाल यहाँ पर कोरोना टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, तो पासपोर्ट वगैरह हमने जमा करवा दिया इस साइड पर। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पे कोरोना टेस्ट वगैरह किया जा रहा है, तो कोरोना टेस्ट वगैरह करवाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि अगला प्रोसेस क्या रहता है। ये एयरपोर्ट इतना भरा हुआ होता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुआ करती थी और आप लोग देखते थे कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता था ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट। कोरोना की वजह से एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, तो देखते हैं प्रोसेस कैसा रहता है। हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप भी हमारे साथ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर मौजूद है। अच्छा जी, वो पाकिस्तान की रिपोर्ट जो थी हमने इनको दिखाई, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। इन्होंने कहा हम अपना दोबारा कोरोना टेस्ट करेंगे। हमने कल करवाया था कोरोना टेस्ट, लेकिन दोबारा कोरोना टेस्ट करवाना है, तो अंदर चलते हैं। एक मिनट, नाम जिसका आता जाएगा ना उसको बुलाते यार। और जी जी, मैं एट यस 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 ताफुल जिल्क बाबत प्लीज। ओके, ताफुल जिल्क बाबत। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने इसे कहा है कि कोरोना टेस्ट प्लीज आराम से कीजिएगा। तकलीफ तो होगा। तकड़े हो जाओ सारे बंदे, रो के आ रहे हैं। मैंने कहा टिकट लगा के दिया इन्होंने। अच्छा जी, इन्होंने जो कोरोना टेस्ट किया है वो इतना बुरा था कि जिसकी गुंजानी, ऐसे उनकी स्टिक भी बहुत बड़ी थी। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टिक हैं, जो कल मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था पाकिस्तान के अंदर, वो एक नॉर्मल सी स्टिक थी। यकीन जानो पता ही नहीं लगा उसके साथ, इतना मतलब पेन नहीं हुआ जो इधर हुआ। उधर मतलब कम पेन हुआ, तो इधर बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और जो गले के अंदर स्टिक मारी वो, उससे तो मुझे उल्टी आने वाली थी। मैंने कहा बस कर भाई, ठीक है। तो इस तरह का सीन रहा है बस। ये वाकई में एक कोरोना टेस्ट जो है ना, ये अजाब है एक किस्म का। अभी तो मेरे और भी बहुत सारे होने हैं। पेन वाकई हुआ, लेकिन एक दौर था कि यहाँ पर इराक के अंदर एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम मेरे ख्याल में मोहसिन बिल्ले के नाम से था। और वो ये कहता था कि इमाम हुसैन की अगर आप ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं तो अपना एक बाजू कटवा के आइएगा। पहले लोग अपना एक बाजू कटवाते थे फिर इमाम हुसैन की ज़ियारत को आते थे। तो कोरोना टेस्ट उस बाजू कटवाने के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि किस कदर मुश्किलात के बावजूद भी वो इमाम हुसैन की ज़ियारत को आते थे। तो फिलहाल नजफ़ एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट का दिया हुआ है, तो इंतज़ार कर रहे हैं कितना टाइम लगता है। तो खाने पीने के लिए कुछ ले लेते हैं यहाँ से। 2-3 हज़ार। अच्छा, ये इराकी करेंसी 2000। 1000 अभी दिया, 1000 का। एक बंदे को 1000 का नहीं दिया आपने, 1000 का। ये 1000 का दिया अभी आपने। 2000, 1000, 3000, 5 बताया।
3000 500 रुपए के दो टू वन थ्री अच्छा 500 छोड़ो पानी हम लेते नहीं जी मैडम कितना आ रहा 500 रुपए का पानी की बोतल वो भी छोटी वाली है और उसके बाद एक लेस का पैकेट इतनी लूट मार तो नहीं होती है असल में लोगों को पता नहीं लगता इसीलिए करेंसी चेंज ये वो आहू मतलब इसलिए फिर थोड़ा सा लोगों को लूटा जाता है। अगर मेरे पास इराकी करेंसी होती तो ये 2000 रुपए की दो चीज़ें मिल जाती, लेस का पैकेट और पानी की बोतल, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 250 रुपए की पड़ती ये दोनों चीज़ें। क्योंकि मेरे पास इराकी करेंसी नहीं थी इसलिए मैंने पाकिस्तानी 500 रुपए इसे दिए, तो इसने कहा ये 500 रुपए की ही दोनों चीज़ें हैं। इस तरह की छोटी मोटी लूट मार एयरपोर्ट के ऊपर चलती रहती है। ओवरऑल इराकी लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह की सीन देखने को मिलते हैं। एयरपोर्ट पे मौजूद वाईफाई कनेक्शन किया और उसके बाद गूगल से पूछा कि 1 रुपया पाकिस्तानी इराक के कितने पैसे बनते हैं, तो 8 रुपये 87 पैसे बनते थे। फिर हमने कहा कि इराकी करेंसी ही एक्सचेंज करवा लेते हैं ताकि इस तरह की कोई मुश्किल ना हो। एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद करेंसी एक्सचेंज वालों के पास मैं पहुँच गया और 5000 रुपये का मैंने उन्हें नोट दिखाया। ये कह रहा जी मैं दूंगा 41000, वैसे बन रहे हैं 44000। ये कह रहा मैं दूंगा 41000, चलो मैंने कहा 3000 रुपये रख ले तू, लेकिन दे दे करंसी यहाँ पे। तो यहाँ से करंसी लेते हैं इराकी। और ये छोटा सा बच्चा ठहरा है, ये मेरा सब्सक्राइबर है, क्या नाम है आपका? सही सही माशाल्लाह माशाल्लाह। 5000 दिया था, इतने सारे पैसे दे दिए इन्होंने, और ये 41000 कुछ रुपए हैं, 250 रुपए, 41000 250 रुपए, तो ये चेंज करवाया मैंने। फिर मैंने इराकी करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी, तो फिर दोबारा मैं उस शॉप के ऊपर गया और पानी की बोतल ली, जो मुझे दोबारा उसने 1000 दिनार के अंदर दे दी, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 130 रुपए बनते हैं। आगा वाटर वाटर। पहले यही शख्स मुझे ये पानी की बोतल 250 पाकिस्तानी रुपए की दे रहा था। ये जी पाकिस्तानी करेंसी में 130 रुपए की पड़ी है मुझे, आप देख लें इराक के अंदर पानी इतना महंगा है, आप लोग पानी की कदर नहीं करते। और यहाँ पर देखें पाकिस्तान के अंदर ये 30-40 रुपए से ऊपर नहीं जाती और यहाँ पे 130 रुपए की। इराक के अंदर कफील सिस्टम है, यहाँ पर वीज़ा आपको तब मिलेगा जब आपका कोई कफील बनेगा। अप्रूवल हमने ले ली थी इराक के अंदर आने की, वीजा हमारा एयरपोर्ट के ऊपर ही लगेगा, जिसे वीजा ऑन अराइवल कहा जाता है। ज़ायरीन की हमने एक लिस्ट बनाई और कफील के हवाले कर दी और उसके बाद इंतजार किया वीजा लगने का। अच्छा जी, कोरोना टेस्ट वगैरह करवा लिया है और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, ओके है सबकी, क्योंकि पीछे से भी ओके थी। $50 इन्होंने एक बंदे का चार्ज किया, वो हमने इनको पे कर दिया। उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल था हमारा और यहीं पे मतलब आके हमने वीज़ा वगैरह अपना लगवाना था, तो उसके लिए भाई लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लिस्ट बना के अब ले गए हैं वहाँ पर, और ले जाने के बाद अभी थोड़ी देर तक वीज़ा लगता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहले कोरोना टेस्ट के ऊपर भी टाइम लग गया, अब थोड़ा सा यहाँ वीज़े वगैरह के ऊपर भी टाइम लग रहा है, तो अभी जो पाकिस्तान के अंदर टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 7:30 और यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, और यहाँ पर अभी दिन ठहरा हुआ है। ये एयरपोर्ट के ऊपर स्मोकिंग रूम है, वहाँ पर मैं आया हुआ, और उसके साथ इस साइड पर अगर आप देखें तो आपको प्लेन वगैरह भी नज़र आते हैं जो ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ एक चाचा जी भी ठहरे हैं, ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इन्होंने मुझे देखा है, कहते हैं आपका नाम मोहन मोहम्मद है, तो आपसे मिलके चाचा जी बड़ी खुशी हुई, बड़ी मेहरबानी। तो ये स्मोकिंग रूम के अंदर बड़ा धुआं है इस टाइम, तो चलते हैं बाहर। जी जी, मैं यहाँ पर फ्लाई बगदाद की एयरलाइन को यूज़ करके नजफ़ एयरपोर्ट पर पहुँचा था, जो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसका आई बटन भी ऊपर आ रहा है। और एयरलाइन की टिकट हर वक्त चेंज होती रहती है, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से नजफ़ की टिकट बुक करवानी है तो 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख के दरमियान आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। अच्छा जी, एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह की आपको एक मशीन भी देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग हो रही है, एक मुख्तलिफ किस्म की तारें केबलें लगी हुई हैं, आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लाकर भी है, लॉक भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर मोबाइल रखो, इधर से लॉक लगाओ, सेटिंग करो, बाद फिर दोबारा आओ और खोल लो। ये एयरपोर्ट की वाशरूम के अंदर आए हैं, तो फिलहाल सेंसर वाली यहाँ पे टूंटियाँ लगी हुई हैं, ये हाथ हटाएँगे, कहता हूँ चल भाई आ जाओ, देख लो पानी आ गया सेंसर के,
चलो फेस को ही धो देते हैं। रजा हुसैन सैयद, हमें जो है ना पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा वगैरह लग गया है, तो ये जो है ना लिस्टी वीज़ा कहा जाता है, $50 के अंदर वैसे वीज़ा लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ $60 के अंदर वीज़ा लगा है, $50 लिए हैं कोरोना टेस्ट के, तो मतलब $110 के अंदर हम यहाँ से अब इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। तो लिस्टी वीज़ा हमारे हाथ में है, तो आगे चलते हैं दिखाते हैं। अच्छा जी, कोरोना से पहले एक दौर हुआ करता था कि ये पूरी की पूरी रॉ जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी भरी हुई होती थी ज़ाहिरी नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, लेकिन आज बहुत ही मुख्तसर से लोग आए हुए हैं और मुख्तसर सी एक लाइन दो लाइन बनी हुई है। जी इमिग्रेशन वाले ने कोई सवाल नहीं किया, खैरियत से बस स्टैंप लगा दी, स्टैंप लगने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं इराक की हदूद के अंदर। हमारा सामान आ चुका है वहाँ पर सामने, ये सामान जहाँ से आता है वो एक दो तीन और ये चौथी पांचवी, मतलब इस तरह की पांच लाइनें हैं जहाँ से सामान आता है। लेकिन परेशान नहीं होना, ये सामने आपको LCD नज़र आ रही होगी छोटी वाली, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये सामान कहाँ से कहाँ आया है, और यहाँ पर लिखा पड़ा है कराची से नजफ़ आया, ये कराची से इतने बजे रवाना हुई थी, फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ है कि इस फ़्लाइट का अरबी उर्दू दोनों में लिखा हुआ है इंग्लिश में, और ये LCD बंद है छोटी वाली, और उसके साथ जो दूसरी चल रही है उसके ऊपर भी कोई शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पे क्योंकि सामान आया हुआ है, और उसके साथ भी एक शो हो रही है LCD उसके ऊपर भी सामान आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी अपने सामान को ढूँढने में, और देखते हैं कि हमारा बैग कहाँ पर पड़ा है क्योंकि बैग हमें नज़र ही नहीं आ रहा। हमें आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन क्योंकि सामान तो आ गया था पहले ही, हमारा वीज़ा लगने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये सामान पड़ा है, लेकिन अब हमारा कहाँ है वो देखना ज़रा, अरे फिर हमारा सामान कहाँ है। मेरा सामान का बैग भी मुझे मिल गया है जिस तरह मैंने पैकिंग करवाई थी, अब देखना ये कि वो पैकिंग पूरी की पूरी सही है, अगर सही है तो समझे ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप फिर क्लेम के लिए जा सकते हैं। अपने बैग के ऊपर प्लास्टिक पेपर मैंने पाकिस्तान से लगवाया था, अगर प्लास्टिक पेपर कहीं से फटा हुआ है तो समझे आपके बैग में से कोई चीज़ गुम हुई है, तो आप फिर क्लेम के लिए जा सकते हैं। ये जी हम कुछ सामान लाते हैं अपने ज़ायरीन के लिए कराची से, तो ये हमारे कुक भाई हैं, और ये खाने पीने का सारा सामान लोड किया जा रहा है। पासपोर्ट दिखाकर आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी सिम मिल जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर इराकी सिम बहुत महंगी मिलती है, तो कोशिश करें कि बाहर से ही सिम खरीदें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 2000 पाकिस्तानी के अंदर 5 GB डाटा पासपोर्ट पे एक्टिव कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ से निकल आए हैं और ये है सामने आपको इराक देखने को मिलता है, आप बाहर टैक्सी वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बाहर आ गए हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्सियाँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं अगर आप अकेले आ रहे हैं तो। उसके बाद इस साइड में देखिए बस हमारी ठहरी हुई है, तो हम बस के ऊपर सामान वगैरह लोड करते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये ज़ायरीन की सामान रख दिया हमने, फहीम साहब भी हमारे साथ हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो फहीम साहब कैसा रहा आज का थोड़ा सा? माशाल्लाह अच्छा रहा, थोड़ा लंबा प्रोसीजर था बट अच्छा था। अच्छा, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मौला के दर पे आए तो कोई मसले की बात ही नहीं है। बस वो इमिग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ना। देखिए होता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है, बट मौला के दर पे आए तो मौला वारिस है। अच्छा जी, बसें रवाना करने के लिए तैयार हैं, बस सारे ज़ायरीन बैठ गए हैं, तो इस साइड पे टैक्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एयरपोर्ट क्रॉसिंग की आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी,
ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं, यहाँ से फिर नई वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।